जल्द ही श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। पिछले 28 साल से रामलला की मूर्ति एक टेंट में विराजमान है। मंदिर के निर्माण में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए रामलला के लिए एक मेकशिफ्ट मंदिर बनाया गया है। रामनवमी के दिन रामलला को उसमें शिफ्ट किया जाएगा। क्या है इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। सालों बाद अयोध्या में पहली बार कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इस रामनवमी में रामलला एक बुलेट प्रूफ फाइबर स्ट्रक्चर में मिलेंगे, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लगा होगा, जिसमें श्री राम भक्त बिना किसी रोक टोक के रामलला के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के बनने तक रामलला की मूर्ति को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि मंदिर का निर्माण गर्भगृह से शुरू होगा, इसलिए मूर्ति को मंदिर परिसर के अंदर ही गर्भगृह से 150 किलोमीटर की दूरी पर मानस भवन की ओर रखी जाएगी। और जब मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा तो रामलला को फिर से उसी जगह पर रख दिया जाएगा। साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण की तैयारियों के बीच रामनवमी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी होने लगी हैं। जब भगवान राम को 2 अप्रैल को रामनवमी के दिन गर्भगृह से शिफ्ट किया जाएगा तो अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। यहाँ पर भजन कीर्तन के रूप में संगीत की महफिल सजेगी। जो भक्त अयोध्या नहीं जा पाएंगे उनके लिए जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण होगा। अब माना यही जा रहा है कि 25 मार्च को रामलला वैकल्पिक गर्भगृह में शिफ्ट किए जाएंगे, और तो और पूजा की खास व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि राम मंदिर गर्भगृह सोमनाथ से भी बड़ा होगा। इस मंदिर का नाम रघुपुरम के नाम से जाना जाएगा। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि मंदिर में किसी भी जगह पर लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रामलला की आरती को 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु एक साथ देख सकेंगे। मंदिर के निर्माण में शामिल इंजीनियर और आर्किटेक्ट की सलाह के बाद मूर्ति को शिफ्ट किया जाएगा। खास तौर से डिजाइन किए गए स्ट्रक्चर में अस्थायी रूप से मूर्ति को रखा जाएगा, जिसे 3 तरफ से फाइबर से कवर किया जाएगा। ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने बताया है कि राम मंदिर का मॉडल वही बनेगा, लेकिन उसे ऊंचा और चौड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा। मंदिर का जो नक्शा तैयार किया गया है उसके मुताबिक मंदिर 128 फुट ऊंचा, 140 फुट चौड़ा और 268.5 फीट लंबा होगा। इतना ही नहीं, 2 मंजिला मंदिर में 212 स्तंभ होंगे। पूरे मंदिर के निर्माण में करीब 1.75 लाख घन फुट पत्थर की आवश्यकता होगी। रामलला के लिए बनने वाले मेकशिफ्ट मंदिर की खासियत ये है कि करोड़ों राम भक्त रामलला के दर्शन अब टेंट में नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ फाइबर स्ट्रक्चर में कर पाएंगे। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे लोगों का अब लगता है इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।